मोदी के खिलाफ है और दूसरी तरफ है वो मोदी के यारों की तरफ है। आपने देखा होगा कल 19 तारीख है वहाँ पर इस्लामाबाद में बैठे हुए एक माजी वजीर आजम, उसको यह पता नहीं है कि 19 तारीख जो है वो करारदादे पाकिस्तान का दिन है, जो हिंदुस्तान के लिए मायूस का दिन है, वो जो मैं सा के तौर पर उसका मुमताज कादरी की बात आती है। यहाँ यह फैसला होना चाहिए कि लोग जो है वो आशिकों ने रसूल की तरफ जाते हैं या उनकी तरफ जाते हैं जो झूठों पर दूसरी तरफ कादियानियों से मिलकर मुमताज कादरी की फांसी पर अमल दरामद कराने के लिए करते हैं। ये बात है हमारे सामने और इसीलिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए मैं कहता हूँ ये अपने मोर्चे में डटी हुई है, इसी की वजह से कश्मीर को आजादी मिली थी और इंशाल्लाह ये इस्तेकाम देगी। वो लोग परवेजी आता है तो वो उजरा जो वहां से आते हैं हमें समझाते हैं किसको वोट दो, क्या हम इतने ना बालिग है, हम ना बलद है, हमें तो वो पढ़ाने वाले मौजूद हैं जो इकबाल को पढ़ाते थे, खुद ही का दस देते थे, इस कश्मीर की बात करते थे, पहाड़ों की बात करते थे, वही लोग या कस्तान कोस्तानी या सहराई जो है हम कोस्तानी लोग हैं, हमें अपनी इज्जत का पता है, हमें अपनी गैरत का पता है, हमें अपने मुस्तकबिल का पता है और ये बात हमारे सामने है। मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा लेकिन वो बात करनी है कि कश्मीर में सैयद अली गिलानी जिसका कद जो है वो हमारे से बुलंद है, वो लोगों को दावत देता है, लोगों मोदी जा रहा है यूरोप में उसका गिराव करो, लाखों की तादाद में लोग आते हैं और यहाँ वजीर आजम जब मोदी आता है जाकर उसके पांव पकड़ कर ले आता है रायबंद के लिए, इसको रायबंद से इस्लाम पूरा इस्लामाबाद नाम रखना चाहिए था। उसकी मोहब्बत हिंदुस्तान से मोदी से क्या है क्या रहता है उसका क्या नाम है जाति उमरा क्या जाति उमरा के नुमाइंदे इस बात का हक रखते हैं इस शेर दिल काम की वो नुमाइंदगी करें। कोई अगर ये चाहता है कि वो हमारी नुमाइंदगी कर सकता है तो वो ये बोल जाए कि वो कलगोशन का खैरवा भी हो और इस काम का जो है वो हीरा भी बनने जाए। कोई ये कहता है कि हम दौलत के पार लाके लाए गए ये वो काम है, अगर आज तक जान भी आ जाए या उसका भी ठुकराएंगे तो क्या हो सकता है कि ये छोटे मोटे दज्जाल ये लुटिया पाइप देने वाले दज्जाल उस शख्स को मुस्तरद कर देंगे जिस शख्स से इस शख्स जमीन पर जो है वो इलम का राजकांड किया था। मैं चौथी में पढ़ता था जब मुजाहिद अबुल सरदार अब्दुल कय्यूम खान किला के मुकाम पर आए थे, मेरा स्कूल था, खलील खानी ने कहा स्कूल चाहिए, उन्होंने कहा स्कूल चाहिए और पढ़े लिखे लोग है नाच करो चारी करो हाई स्कूल है। ये जो हमारे सामने बैठक अवानाबाद का ये किसने दिया है मुझे बताओ इनके दौर में क्या हुआ है। इनका यह है असाध्य को फारग करो चपड़ासियों से लड़ने वाले ये मौलूक जो है इनका यह काम है। आप यहाँ माजूल तैदाद में लोग बैठे हुए हैं, आप गैरतमंद और शेर दिल है, किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो कश्मीर को जो है वो तकसीम करे, कोई इस्लामाबाद से आकर डिक्टेट करे, हम वो मानने वाले नहीं है, हम उसका मुस्तरद करते हैं। और मैं पूरे दिल के साथ इस चीज का आपके सामने ये रखता हूँ, जमात इस्लामी के खिलाफ होते हैं, जमात इस्लामी गैरतमंद लोगों का काम है वो आपके साथ खड़े